हेलो दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यह क्वेश्चन 2020 एग्जाम में ए सेट में आया था। यह क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है और इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है, तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस। गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेंगे। चौथा पद 11 है तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 3D इक्वल टू 11। मान लेते हैं कि पहला पद है ये एक और सार्वंतर है डी। पांचवें और सातवें पदों का योग, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। पांचवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 4D। सातवां पद है ए प्लस 6D बराबर 34। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2A 4D प्लस 6D 10D इक्वल टू 34। इसको देखिए, अब जब हमारे पास ये आ गया है तो आप यहाँ पे कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा, बाहर रख लेंगे तो ये हो जाएगा ए, 2 5 जा 10, और 34 है तो 17 2 जा 34, यानी ए प्लस 5D इक्वल टू 17। अब जब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो एक काम करते हैं, ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको दो इक्वेशन दिया रहे तो उसमें से आप दोनों में से किसी एक को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, पहले को दूसरे में से घटा देते हैं। समीकरण इसको लिखेंगे दो में से, समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण एक को घटाने पर घटाते हैं, पहले सॉल्व करेंगे। ये ए प्लस 5D माइनस है, ब्रैकेट लगेगा, ए प्लस 3D बराबर 17 माइनस 11, तो ये हो जाएगा ए प्लस 5D माइनस ए माइनस 3D 17 माइनस 11 हो जाएगा, 17 में से 11 गया, एक एक कट जाएगा, 7 में से 1 गया 6। अब देखिए, ए प्लस है ए माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2D बराबर 6, तो D बराबर हो जाएगा 6 बाय 2, 2 3 जा 6, तो D बराबर हो जाएगा 3 आंसर। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप इसको खुद से बना के प्रैक्टिस कीजिए।